साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आज है तारीख साथी 12 जुलाई और आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के साथ हूं। तो अपनी पेन और अपनी कॉपी उठा लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एसएससी जीडी यूपीएसआई एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी अलग अलग राज्यों के एग्जाम्स होते हैं, इस क्लास से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। पीसीएस तक का भी क्वेश्चन बाय स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको दिखाने की काबिलियत रखता हूं। तो पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए और एक मन में विश्वास होना चाहिए कि दूर क्षितिज पर सूरज चमका, दूर क्षितिज पर सूरज चमका, सुबह खड़ी है आने को, धुंध हटेगी धूप खिलेगी, वक्त नया है छाने को, साहिल पर यूं सहमे सहमे वक्त गवाना क्या यारो, लहरों से टकराना होगा पार समुद्र जाने को। तो समुद्र के पार जाने को इस ज्ञान के सागर में गोता आपको लगाना ही होगा। तो पहला क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए विशेष बैच, जिसमें रोज 10 घंटे की सब्जेक्ट वाइज थ्योरी की बेहतरीन क्लासेस दी जाती है और उसके साथ क्वेश्चन आदि आपको एडवांस में प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चर्चा में, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है इस्लामिक सहयोग संगठन। इस्लामिक सहयोग संगठन लगभग 57 जो मुस्लिम देश है उन देशों का एक संगठन है। दुनिया में 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसका नाम है ओआईसी, इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन। तो इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के शहर जेद्दा में है और इसमें कितने सदस्य हैं? 57 सदस्य हैं। तो याद रखिएगा साथी, इस संगठन के बारे में दोनों बात सही है। इसका मुख्यालय जेद्दा में है और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 57 सदस्य हैं। अब ये ओआईसी चर्चा में क्यों है, इस्लामिक सहयोग संगठन चर्चा में क्यों है? क्या हुआ कि अभी इसने भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता को लेकर एक राय दी कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप बातचीत कराने के लिए मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं। तो भारत ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। भारत का हमेशा से एक पक्ष रहा है कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत के बीच में किसी भी तीसरे देश का कोई दखल बर्दाश्त नहीं है, ये द्विपक्षीय मामला है, हम दो देशों के बीच का मामला है, तीसरे को मंत्री बनने की हमारे बीच में जरूरत नहीं है। इससे पहले ओआईसी ने कश्मीर पर चुल करने की कोशिश की थी लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने उसको भी कह दिया कि भाई देखो, ये हमारा अंदरूनी मामला है कश्मीर का, तुम यहां काहे को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो। तो इसलिए ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नाम से पता चल रहा है, इस्लामिक सहयोग संगठन। अब यह बना कब ओआईसी, यह बात है 25 सितंबर 1979 की। उस समय क्या हुआ था साथी 1969 में कि जो इसराइल में जेरूशलम में वहां पर एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद में आग लग गई। मुस्लिम लोग कहते हैं कि वो आग यहूदी धर्म वालों ने लगाई, यहूदी धर्म उसको किसी क्रिश्चियन पर डाल देते हैं। तो जो वहां का मुफ्ती था, अल अक्सा मस्जिद का जो उस समय जेरूशलम का मुफ्ती था, उसने दुनिया के मुस्लिम देशों से अपील की कि भाई देखो, आप सभी लोग साथ आइए और जो हमारी मस्जिद या जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है इन स्थलों की रक्षा कीजिए। तो इसको लेकर 25 सितंबर 1969, थोड़ा तेज लिखिएगा, 25 सितंबर 1969, ये जगह है इसका प्रथम समिट का आयोजन होता है, प्रथम शिखर सम्मेलन। प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर? मोरक्को की राजधानी रबात में। कहां पर होता है साथी? अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी रबात में इसका प्रथम सम्मेलन होता है 25 सितंबर 1969 को। इसकी स्थापना, कुल सदस्य देशों की बात करें तो 57 इसके सदस्य देश है। कितने देश है? 57 इसके सदस्य देश है और हेडक्वार्टर ये जेद्दाह नाम का शहर है सऊदी अरब का। सऊदी अरब के पश्चिमी तट लाल सागर पे बसा हुआ है। अगर कोई भारत से हज करने मक्का मदीना जाता है और अगर वो मक्का मदीना समुद्री जहाज के रास्ते जा रहा है तो वो जेद्दा ही उतरता है,
जिद्दा के पास मक्का है और ऊपर की तरफ मदीना, जो कि मुस्लिमों के लिए इस्लाम में बहुत ही सबसे ज्यादा पवित्र स्थल माने गए हैं। तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 57। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेद्दा। जेद्दा सऊदी अरब की राजधानी नहीं है, जेद्दा सऊदी अरब का एक शहर है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन मुंबई भी एक शहर हो जाता है। चलिए बच्चा, मुंबई भी एक शहर हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यह सऊदी अरब है, क्या है सऊदी अरब? यह लाल सागर है, ये क्या है? लाल सागर। तो सऊदी अरब यहां पे जॉर्डन शुरू हो जाता है, यहां पे एक खाड़ी है जिसको अकाबा की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाबा की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी एक तरफ तो इजिप्ट हो जाता है, एक तरफ ये जॉर्डन हो जाता है, एक तरफ यहां पे सऊदी अरब हो जाता है, और साथ ही अकाबा की खाड़ी जहां पर एंड होती है वहां से इजराइल शुरू हो जाता है। तो इजराइल से जॉर्डन की सीमा लगती है, ना कि सऊदी अरब की। फिर इसके सीरिया, इराक, सीरिया नहीं, जॉर्डन, इराक, कुवैत, इधर हो जाता है आपका कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, और इस तरफ क्या हो जाता है इसके? यमन नाम का देश हो जाता है। क्या हो जाता है? यमन नाम का देश हो जाता है। तो ये कुछ साथी इसके क्या हो जाते हैं? ये कुछ इसके पड़ोसी देश हो जाते हैं। किसके? सऊदी अरेबिया के। ये साथी क्या हो जाते हैं? इसके कुछ पड़ोसी देश। तो यहां पर है जेद्दा, ये जो लाल सागर है ना, लाल सागर की तरफ आ जाता है जेद्दा नाम का शहर, जेद्दा। इसके नीचे की तरफ देखोगे यहां पर मक्का, ऊपर की तरफ मदीना। एक और शहर पड़ता सऊदी अरब का बहुत महत्वपूर्ण, जिसे दम्माम कहते हैं। तो दम्माम जो शहर है, यह साथी फारस की खाड़ी की ओर पड़ता है। किसकी ओर? फारस की खाड़ी। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, अक्सर पेपर में आप सभी से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, सऊदी अरब की राजधानी जो हो जाती है वो सऊदी अरब की राजधानी हो जाती है रियाद। क्या हो जाती है साथी? रियाद। और यहां की मुद्रा जो हो जाती है वो रियाल हो जाती है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल। तो जेद्दा हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक बिल्कुल सही कॉपरेशन। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये सब मेरे साथ ही आप लोग लिखते चलिएगा। सेकंड आ जाता है दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन। दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन ये किस देश में किया गया है? तो याद रखिएगा साथी, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का जो उद्घाटन है वो यूरोप के डेनमार्क नामक देश में किया गया है। कहां पर किया गया है? डेनमार्क। द टॉलेस्ट सैंड कैसल, कैसल का अर्थ होता है महल, सैंड कैसल ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। तो दुनिया के सबसे बड़े रेत के महल का जो निर्माण किया गया है वो साथी डेनमार्क में किया गया। कहां पर किया गया है? डेनमार्क में किया गया है। यह त्रिकोणीय आकार का रेत महल है, डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर, लगभग जो इससे पिछला रिकॉर्ड है उससे 3.5 मीटर उसकी ऊंचाई है। हालांकि उससे पहले जर्मनी में था, अब यह जर्मनी के रिकॉर्ड को भी तोड़कर 21.16 मीटर ऊंचा। यह कहां पर है? डेनमार्क के ब्लोखस शहर में। कौन से शहर में साथी? डेनमार्क के ब्लोखस शहर में यह रेत का महल है, सैंड कैसल है। 21.16 मीटर इसकी हाइट है। कहां पर? डेनमार्क में। अब डेनमार्क की बात करते हैं। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अक्सर पेट में जीडी आदि एसएससी सवाल, टीसीएस ये सवाल पूछती है, ग्रुप डी रेलवे आदि के लिए, कि कौन सा स्कैंडिनेवियन देश है या कौन सा देश नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताऊंगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा हो जाती है डेनिश क्रोने, और यहां की प्रधानमंत्री हो जाती है मेटे फ्रेडरिकसेन। एक महिला है, मेटे फ्रेडरिकसेन एक महिला है। यहां पर साथी आपका पड़ता है नॉर्वे, स्वीडन, इधर पड़ता है फिनलैंड, और इसके नीचे जो छोटा सा आपको इलाका दिख रहा है यहां पे आ जाता है बिल्कुल नीचे लाल लाल सा, ये हो जाता है डेनमार्क। क्या हो जाता है? डेनमार्क। यहां पर दो तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और मैं आपको बता दूं, ये देखोगे तो ऊपर की तरफ इधर स्वीडन आ जाता है, यह है अपना डेनमार्क। क्या हो जाता है? डेनमार्क। यह पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे मेरी बात भैया? जबकि राजधानी ये इस तरफ है कोपेनहेगन, राजधानी क्या है?
इस तरफ कोपेनहेगन, ये और देख लीजिए और अच्छे से इसको। इसमें क्या है साथी, ये जो आपका नॉर्वे नाम का देश होता है ये नॉर्वे है, ये स्वीडन नाम का देश है, ये फिनलैंड नाम का देश है। तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में यहां पर एक खाड़ी पाई जाती है जिसको बोथनिया की खाड़ी कहते हैं। किसकी खाड़ी कहते हैं? बोथनिया की खाड़ी। प्रश्न आ सकता है कि बोथनिया की खाड़ी ये किन दो देशों के बीच में पाई जाती है, तो क्या कहोगे? बोथनिया की खाड़ी, स्वीडन और फिनलैंड। साथ ही इसमें थोड़ा सा नीचे देखोगे तो नॉर्वे, स्वीडन और ये हो जाता है डेनमार्क। जर्मनी से इसकी सीमा लगती है, बाकी चारों तरफ देखोगे तो समुद्र से घिरा हुआ है। नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्री, इसको लिख लेना, स्कैंडिनेवियन देश। भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन देश किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे भैया स्कैंडिनेवियन देश डीएनएस, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को कहा जाता है। एक ग्रीनलैंड नाम का इलाका है, ग्रीनलैंड अलग से कोई देश नहीं है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही हिस्सा है। इसमें दो देश और अक्सर पूछे जाते हैं, आइसलैंड और फिनलैंड। अगर इसे डीएनएस डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इसमें अगर आप फिनलैंड और एक और देश हो जाता है साथी आइसलैंड, इन दोनों को मिला लेते हो तो इन्हें नॉर्डिक देश बोला जाता है। इन पांचों के साथ क्या कहा जाता है? नॉर्डिक देश कहा जाता है, नॉर्डिक। इन्हें क्या कहा जाता है? नॉर्डिक। असल में देशों के समूह को एक नाम दे दिया गया है वहां की विशेषताओं के आधार पर। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इनके साथ फिनलैंड और आइसलैंड को भी मिला देते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, आइसलैंड की रिकजेविक, तो इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। इन तीनों को अकेले स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन। डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा माना जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले साल लास्ट ईयर भारत और डेनमार्क के बीच में, भारत और डेनमार्क के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था। कैसा समिट हुआ था साथी? वर्चुअल। वर्चुअल शिखर सम्मेलन का अर्थ होता है कि वीडियो कॉल के माध्यम से डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन और हमारे मोदी जी दोनों ने वार्तालाप, बातचीत की थी, भारत और डेनमार्क। तो हमारी जो पार्टनरशिप है इसको तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपसे पूछ सकता है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और डेनमार्क के बीच में है। बौद्धिक संपदा के ऊपर एमओयू साइन किया गया, बौद्धिक संपदा के ऊपर एमओयू साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। ये दोनों काम कब किए गए? साल 2020 में। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि भारत और डेनमार्क हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करेंगे, ऐसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साथ मिलकर कार्य करेंगे जो प्रदूषण नहीं फैलाती होगी। एक और चीज याद रखिएगा, अभी मार्च 2021 की खबर आपको बता दे रहा हूं कि मैरीटाइम समिट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, मैरीटाइम इंडिया समिट का, मैरीटाइम इंडिया समिट, यह मार्च में हुआ। मतलब समुद्र के ऊपर एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसका नाम था मैरीटाइम इंडिया समिट। याद रखिएगा इसका जो पार्टनर देश था वो डेनमार्क था। आपसे सिंपल सिंपल पूछ सकता है कि भाई मार्च 2021 में, अभी दो महीने पहले जो मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था उसका पार्टनर देश कौन है? डेनमार्क। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो क्लास है ये 6 महीने 1 साल तक चीजों को कवर करते हुए चलती है। नोट्स बनाइएगा तब जाके मजा आएगा। तो भारत और डेनमार्क, डेनमार्क मेटे फ्रेडरिकसन इसकी प्रधानमंत्री, क्रोने इसकी मुद्रा, राजधानी डेनमार्क की कोपेनहेगन। समझ रहे हैं मेरी बात? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बौद्धिक संपदा के ऊपर एमओयू और मैरीटाइम इंडिया समिट। पार्टनर देश कौन सा हो जाता है? तो पार्टनर देश हो जाता है साथी अपना डेनमार्क। क्लियर है? चलिए आगे आ जाता है। यहां पे मैंने आपको और बताने की कोशिश की है कि आइसलैंड और फिनलैंड को लगा देते हो
तो ये हो जाता है नॉर्डिक, सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तो स्कैंडिनेवियन। प्रश्न यहां से बहुत पूछा जाता है। और यहां पे तीन देश हैं, एक का नाम है एस्टोनिया, क्या नाम है, एस्टोनिया या एस्टोनिया, एक का नाम है लातविया, एक का नाम क्या है, लातविया, और एक का नाम है लिथुनिया। इन तीनों को बाल्टिक देश कहा जाता है। इन तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है, इन तीनों को एक साथ बाल्टिक देश कहा जाता है। चलो इनकी भी राजधानी लिखवा देता हूं। लिथुनिया की हो जाती है विल्नियस, लिख लीजिएगा। लातविया की हो जाती है रीगा, रिंग रिंग रीगा, और एस्टोनिया की हो जाती है टल्ली, टल्लिन। समझे मेरी बात, इन तीनों को बाल्टिक देश कहा जाता है। इन तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश। ये देशों के नाम है अक्सर भूगोल में ये प्रश्न सिंपल बना के पूछ लेता है स्टैटिक जीके में। तो बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, लास्ट में आई ए आई ए आई ए, तीनों देशों में है। डीएनएस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन तीनों को स्कैंडिनेवियन। और अगर इसमें आइसलैंड जिसकी राजधानी रिकजेविक होती है, रिकजेविक, और फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी होती है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो नॉर्डिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्डिक। चलिए आगे आ जाते हैं। ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, जो ब्रिक्स देश हैं यहां के यंग साइंटिस्ट जो होते हैं, युवा वैज्ञानिक, इनका सम्मेलन 7 सितंबर के महीने में, 13 से 16 सितंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स और यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, कौन सी कॉन्क्लेव, यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव। तो याद रखिएगा साथी, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव 13 से 16 सितंबर 2021 ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। युवा वैज्ञानिकों का एक तरीके का सम्मेलन हो जाता है, युवा वैज्ञानिकों का। असल में अभी 8 जुलाई 2021 को जो ब्रिक्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी है, ब्रिक्स की एक कमेटी होती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर, उसकी 12वीं बैठक हुई। उस बैठक में तय किया गया कि आने वाले 13 से 16 सितंबर बेंगलुरु में ब्रिक्स के यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव या यंग वैज्ञानिकों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जो हमारा डीएचटी है, इसने इसको होस्ट किया। एक बात याद रखिएगा, ब्रिक्स इनोवेशन कॉपरेशन एक्शन प्लान, इसी में कि इनोवेशन के ऊपर, नई नई चीजों के आविष्कार के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ब्रिक्स के देश किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, इसको लेकर एक एक्शन प्लान साथी 2021-24 में प्रस्तावित किया गया। बात याद रखिएगा, जो ये 2021 में ब्रिक्स की यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव है, ये इसका 6ठा संस्करण होगा बेंगलुरु में, मतलब ये 6ठी बार आयोजित की जाएगी। इससे पहले अलग अलग देशों में जहां भी अध्यक्ष, जिस भी देश के पास अध्यक्षता होती है, वहीं पर यह आयोजित की जाती रही है। यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, कौन सी कॉन्क्लेव बच्चा, यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव। तो शॉर्ट में पहले तो ब्रिक्स के बारे में बात कर लीजिए। ब्रिक्स असल में साथी, जो लोग नए पढ़ रहे हैं, पता नहीं है, सुन लीजिए, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। बी का अर्थ यहां पर ब्राजील से होता है, आर का अर्थ एक रूस नाम के देश से होता है, आई हमारा इंडिया मतलब भारत हो जाता है, सी से एक ही देश होता है चीन, और एस से साथी हम लोग साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। असल में जो ब्रिक्स का गठन हुआ है वो साथी 2006 में हुआ है, लेकिन इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ, फर्स्ट समिट जिसको बोलते हैं, समिट का मतलब होता है सम्मेलन, ये 2009 और रूस में हुआ था। कहां पर, रूस के याकीटेरिनबर्ग। इसका जो सम्मेलन हुआ है वो रूस के याकीटेरिनबर्ग शहर में हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब पेपर में पूछा जाता है, याकीटेरिनबर्ग। बच्चा क्या होता है कि एक एक देश के पास हर साल इसकी घूम के अध्यक्षता आती है, जैसे पिछले साल रूस के पास थी, इस बार भारत के पास है। तो 2021 जनवरी से जो अध्यक्ष है साथी, वो अपना देश भारत हो जाता है, और भारत अध्यक्षता 3री बार कर रहा है। कौन सी बार, इससे पहले 2012 और 2016 में अध्यक्ष रह चुके हैं। इसकी जो थीम है, इस बार की थीम थी ब्रिक्स एट 15,
ब्रिक्स एट 15, क्योंकि 2021 में 2006 से देखोगे तो 15 साल हो जाते। देखिए स्थापना 2009 में हुई, लेकिन अफ्रीका 2010 से सदस्य बना है। कब से सदस्य बना है? 2010 से। तो आप यह कह सकते हो कि यह फाउंडिंग कंट्री नहीं है, यह संस्थापक देशों में से एक देश नहीं है। समझे मेरी बात? ब्रिक्स की बात होगी, यंग कॉन्क्लेव बेंगलुरु। जब बेंगलुरु की बात आ जाए तो बेंगलुरु को क्या कहते हैं साथी? तब कहोगे भैया बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना 1537 में कैंपेगौड़ा वन नाम के विजयनगर के अंतर्गत आने वाले एक राजा, मतलब एक ऐसा कह सकते हो कि एक मंत्री ने की थी, कैंपेगौड़ा एक। इसलिए बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है उसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। यहां पर हैदर अली द्वारा स्थापित लालबाग, ये पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन कि लालबाग कहां स्थित है, तो हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी। एक बाग हो जाता है कब्बन पार्क, ये यहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। एक बात याद रखिएगा कि यहां पर एक उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक का, कगारा उत्सव। ये जो कगारा नहीं, करगा उत्सव कह लीजिए इसको, ये जो करगा उत्सव है ये साथी बेंगलुरु का बहुत ही फेमस उत्सव है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर है, यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहीं पर निमहेंस, यहीं पर ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, टीबी के रोग के जो संस्थान होता है वो संस्थान, हॉर्टिकल्चर, कई सारे मैं लिख देता हूं। सिलिकॉन वैली भी इसको कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली। एक बात याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसरो का हेडक्वार्टर, बागवानी, जो राष्ट्रीय बागवानी के ऊपर रिसर्च संस्थान है वो बागवानी अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जिसे हम लोग कह देते हैं, बागवानी अनुसंधान, इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग अनुसंधान केंद्र, क्षय रोग अनुसंधान, जो दिमाग की बीमारी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल करके जो होता है एक इंस्टीट्यूट, निमहेंस, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, ये सारे के सारे कहां पर है? यू आर राव सैटेलाइट सेंटर। ये सर ज्यादातर जो बच्चा ये इंपॉर्टेंट अपने भारत के कई सारे, बिल्कुल सही। एस्ट्रोफिजिक्स का भी यहीं पर है, एस्ट्रोफिजिक्स जो हम लोग करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत की सरकारी कंपनी है, ये तेजस बनाया है और ये ध्रुव आदि हेलीकॉप्टर भी बनाती है, वो भी कहां पर है? यहीं पर है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो बेंगलोर में स्थापित है या राष्ट्रीय लेवल के अनुसंधान संस्थान। IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण एक यूनिवर्सिटी है। इसरो का हेडक्वार्टर बागवानी, इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहते हैं, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस पर निमहेंस, एस्ट्रोफिजिक्स, HAL, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, ये सारे के सारे बेंगलोर। 1537 में स्थापना, लालबाग, कब्बन पार्क, कैंपेगौड़ा वन ने स्थापना की, और साथ ही करगा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? करगा महोत्सव। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में किस पड़ोसी मुल्क के साथ, जो साल 2004 में रेल सेवा संचालित करने के लिए कि भारत और इस पड़ोसी देश नेपाल के बीच में रेल सेवा संचालित होगी। कौन सी सेवा संचालित होगी साथी? रेल सेवा संचालित होगी। कौन सी सेवा संचालित होगी? रेल सेवा। इसको लेकर साल 2004 में नेपाल के साथ एक बहुत ही अच्छा हमारा करार हुआ। अब इसको संशोधित करने के लिए, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए साथी? इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, आप लोग अपनी खोपड़ी में इस बात को बिठा लीजिए कि अमेंडमेंट का मतलब है जैसे कि कोई पहले समझौता हुआ है, अब उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करना है। क्या करना है साथी? कुछ ना कुछ संशोधन करना है। यह बात समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ संशोधन करना है। तो फिर लेटर ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ एक्सचेंज टू रिवाइज 2004 रेल सर्विस एग्रीमेंट, कि हमारे और आपके बीच में जो रेल सेवा को लेकर एक समझौता है, इस रेल सेवा के समझौते को
क्या कर लेते हैं साथी, रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, इस रेल सेवा के समझौते को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये नेपाल के साथ हमने किया है, किसके साथ किया है, नेपाल के साथ। चलिए नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल की राजधानी हो जाते काठमांडू, जहां पर साथी सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सार्क का हेडक्वार्टर, जो हमारा सार्क नाम का आठ देशों का संगठन है, उसका हेडक्वार्टर। नेपालीज रुपया यहां की मुद्रा। विद्या देवी भंडारी यहां की राष्ट्रपति, केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री, जबकि विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के राजदूत हैं नेपाल में। विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के राजदूत हैं नेपाल में। विनय मोहन पात्रा, यहां का जो पक्षी हो जाता है हिमालयन मोनाल। क्या हो जाता है साथी, हिमालयन मोलाल। ये नेपाल का, आप ये कह सकते हैं कि नेपाल का ये बिल्कुल सही राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे हमारा मोर होता है ना, यहां का हिमालय मोनाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर 2011 तक एक राष्ट्रीय पोशाक हुआ करती थी, नेशनल ड्रेस, जिसे महिलाओं के लिए गन्यो चोलो। महिला कौन सी नेशनल ड्रेस पहनती थी, गन्यो चोलो, और पुरुष कौन से पहनते थे, डोरा शुरुवाल। तो अगर आपसे, और ढाका टोपी लगाते थे, इस टोपी को ढाका टोपी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे कि डोरा शुरुवाल ये किस देश में पहनने जाने वाली मुद्रा है, बेटा मुझे वो नहीं चाहिए, मुद्रा है मतलब पोशाक है, तो आप क्या बताओगे, नेपाल की पोशाक है डोरा शुरुवाल। गन्यो चोलो कहां की महिलाएं पहनती हैं, ये नेपाल की महिलाएं पहनती हैं। कहां की महिलाएं पहनती हैं, नेपाल की। इसलिए मैं कहता हूं ये 360 डिग्री क्लास है, अपने आस पड़ोसी देश, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सब कुछ कवर होता है यहां से। जबकि बर्ड क्या है, मोनाल। यहां के राष्ट्रपति, यहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, मुद्रा रुपया नेपाली रुपया, राजधानी काठमांडू, सार्क का हेडक्वार्टर है, और विनय मोहन क्वात्रा ये साथी वहां पर भारतीय राजदूत है। जबकि पशु क्या हो जाता है, गाय, और रोडोंड्रोन यहां का फूल हो जाता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रीलंका और नेपाल दोनों का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। साथ ही 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में, कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चा, 6 खिलाड़ी होते हैं। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल भी क्या हो जाता है, वॉलीबॉल हो जाता है। नेपाल का पशु गाय, मोनाल यहां की चिड़िया, रोडोंड्रोन यहां का फूल, पशु हो जाता है गाय, और खेल क्या हो जाता है, वॉलीबॉल हो जाता है। खेल क्या हो जाता है, बॉल। जबकि पक्षी क्या हो जाता है, यह हिमालयन मोनाल हो जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब नेपाल के बारे में दो तीन चीजें और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर तो हमने यहीं पे कवर कर दी। एक चीज अच्छे से याद रखिएगा कि नेपाल की संसद द्विसदनीय है। नेपाल की जो संसद है ना, वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है दो सदन होते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय। एक होती है साथी राष्ट्रीय सभा, क्या होती है, राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा बोलते हैं, नेशनल असेंबली। एक प्रतिनिधि सभा, एक यहां पर क्या होता है, प्रतिनिधि सभा। यहां पर एक राष्ट्रीय सभा हो जाती है, एक प्रतिनिधि सभा, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, उच्च सदन, जैसे हमारा राज्यसभा। 59 सीट हो जाती है, कितनी सीट, 59। जबकि प्रतिनिधि सभा में साथी 275 सीट हो जाती है, कितनी सीट पे, 275। ये अपने लोकसभा के जैसा है। बात करेंगे स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई है नेपाल की, 1768 में हुई, और इसके संस्थापक राजा पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। किसको माना जाता है, राजा पृथ्वी नारायण शाह को यहां का संस्थापक माना जाता है। चलिए बच्चा, 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि होती है। किसकी संधि, सुगोली की संधि। ये सुगोली की संधि ब्रिटिश और उस समय के नेपाली राजा के बीच में हुई थी, जिससे कि उत्तराखंड आदि का जो इलाका है, ये नेपाल से ब्रिटिश भारत में आ गया था, और इसलिए आज उत्तराखंड, अगर सुगोली की संधि नहीं होता तो ये नेपाल का हिस्सा होता, जो ब्रिटिश भारत से हमें मिला। तो सुगोली की संधि, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि नेपाल की जो बाउंड्री है उनको तय कर दिया गया। नेपाल की जो कहा जाता है कि नेपाल की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, तो ये जो जहां पे लिम्पिया धुरिया नाम की जगह है, लिम्पिया धुरिया नाम की जो जगह है,
जिसके ऊपर भारत और नेपाल में विवाद है, लिपुलेख दर्रे के पास। तो काली नदी जिसको शारदा भी कहा जाता है, काली भी कह सकते हो, इसे शारदा भी कह सकते हो, इसको महाकाली भी कह सकते हो। और दूसरी तरफ अलची नदी, कौन सी नदी, दूसरी तरफ अलची, इसका कुछ नाम है अलची, तो अलची है शायद कुछ ऐसे करके, मेची नदी, मेची नदी, मेची नदी, ये इसकी बाउंड्री को तय कर दिया गया। तो ये सुगोली की संधि कब हुई, इधर अपना भारत हो जाता है, क्या हो जाता है भारत। तो ओलंपिया धुरा आदि जो जगह है वो इसी नदी के कहां से उद्गम हुआ है, ये नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती थी, क्या बनाती थी, सीमा। चलिए साथियों, तो चार बार सुगोली की संधि, राजाओं का शासन यहां पे 2008 में खत्म हुआ जब ये गणराज्य बना, क्या बना, गणराज्य। गणराज्य मतलब राज्य का जो चीफ होता है वो चुना हुआ व्यक्ति। और 2015 से यहां पे नया संविधान लागू हुआ है, 2015 से यहां पर संविधान लागू। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस के पेपर में भी ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज बना के पूछे गए थे। तो स्थापना 1768, संस्थापक कौन, पृथ्वी नारायण शाह, किंग पृथ्वी नारायण शाह। 4 मार्च 1816 सुगोली की संधि, 2008 गणराज्य बना, 2015 में संविधान लागू। राष्ट्रीय सभा में 59 सीट और प्रतिनिधि सभा में 275। 7 प्रांत होते हैं साथी, कितने प्रांत होते, जैसे हमारे यहां पर 28 राज्य हैं, वैसे ही नेपाल में 7 प्रोसेस है, प्रोविंसेस है, या आप ये कह सकते हो सर नेपाल में 7 प्रांत हो जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, नोट्स बना रहे हो, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, हमारा जो भारतीय डाक विभाग है उसका एक बैंक भी है जिसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। कब हुई थी साथी, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 से हुई थी। तो अब इस बैंक के जो अपना बिहार सर्कल है, कौन सा सर्कल है, बिहार सर्कल, तो बिहार सर्कल किस राज्य के डार्क सर्कल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा व्यापार और राजस्व आय के मामले में देश में नंबर 1 स्थान। तो साथी ये अपने बिहार का जो पटना सर्कल है, इसने पूरे देश में आय, आय मतलब राजस्व, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू किया है वो इसी सर्कल ने किया है, और इस मामले में इसने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया साथी, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, समझ रहे मेरी बात। सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन भी यहीं पर हुई, पिछले साल 147 करोड़ का, तो इस साल 438 करोड़ रुपए की धनराशि इन्होंने इकट्ठी की है। लगभग पूरे बिहार में 38 इस पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं, और कुल पूरे देश में 650, 38 बिहार में है। तो पूरे देश में रेवेन्यू के मामले में बिहार सर्कल ने टॉप किया है, रेवेन्यू के मामले में क्या किया है साथी, बिहार सर्कल ने टॉप किया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन भी सबसे ज्यादा है, 438 करोड़ रुपए की जमा हासिल की है, जो लोगों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने पैसे जमा कराए, 38 शाखा, और पूरे देश में कितनी शाखाएं, पूरे देश में साथी मेरे 650 शाखाएं हो जाती हैं, समझे मेरी बात। चलिए पहले बिहार की बात कर लेते, फिर हम लोग पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करेंगे। यह बिहार की बात है कि बिहार सर्कल ने टॉप किया, किसने टॉप किया, बिहार सर्कल ने। तो साथी बिहार का गठन, पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग किया गया, इसलिए 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस होता है। फगु चौहान यहां के राज्यपाल, जबकि नीतीश कुमार यहां के 7वीं बार साथी सीएम बने हैं, जबकि 2 यहां पर उपमुख्यमंत्री, रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद। यहां पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, 75 तो साथी विधान परिषद और 243 विधानसभा। यह एक ऐसा राज्य है जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, 40 यहां पर लोकसभा की सीट और 16 यहां पर राज्यसभा, 40 16 75 243 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा, 75 विधान परिषद और 243 यहां पर विधानसभा की सीट हो जाती है। 243 क्या हो जाती है साथी, विधानसभा की सीट हो जाती है। अब यहां पर 2-3 चीजें और लिख लीजिएगा,
बहुत अच्छे से आप लोग, कि अगर हम लोग बिहार के कुछ चिन्हों की बात करें, किसकी बात करें, बिहार के चिन्हों की, तो एनिमल की बात करेंगे, पशु। पशु बताइए कौन सा है कि बिहार का पशु क्या हो जाता है। फिर आपको बिहार का पक्षी बताना है, फिर क्या बताना है, बिहार का पक्षी बताना है, फिर आपको साथी फल, पेड़ क्या है बिहार का, फूल कौन सा हो जाता है, बिहार का साथी फूल कौन सा हो जाता है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, यहां पर सिर्फ एक नेशनल पार्क होता है जिसे साथी वाल्मीकि नेशनल पार्क कहते हैं। यहां पर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है, विक्रमशिला भागलपुर, डॉल्फिन जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो डॉल्फिन सेंचुरी भी ये अपने बिहार में है। डॉल्फिन सेंचुरी भी क्या हो जाती है साथी, बिल्कुल सही, ये बिहार में ही हो जाती है। कहां पर हो जाती है, बिहार में। तो गौर जिसे मिथुन भी कहते हैं, भैंसे की जाति का ये, वो यहां का क्या हो जाता है, पशु। जबकि पक्षी हो जाती है गौरैया, दिल्ली का भी पक्षी गौरैया ही है। फूल हो जाता है फल हो जाता है आम, फल क्या हो जाता है आम। फूल हो जाता है कचनार, फूल क्या हो जाता है साथी, कचनार हो जाता है। जब भी वृक्ष की बात करोगे तो पीपल का वृक्ष, वृक्ष क्या हो जाता है, पीपल। फल हो जाता है मैंगो, फूल हो जाता है कचनार। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, यहां पर कुछ समय पहले मघई पान, मघई पान, जर्दालू आम, जर्दालू आम, और साथ ही एक और था कतरनी चावल, इनको जीआई टैग मिले हैं। कतरनी चावल इनको जीआई टैग मिले हैं। यहां की दो फेमस, एक तो मिथिला पेंटिंग जिसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, और मंजूषा पेंटिंग, मधुबनी और मंजूषा, ये यहां की साथी दो बहुत ही फेमस पेंटिंग होती है। क्या होती है, पेंटिंग। तो लिख लीजिए कि मिथिला या मधुबनी और मंजूषा, ये पेंटिंग होती है। मघई पान, जर्दालू आम और कतरनी चावल, इनको हाल ही में एक दो साल पहले जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम तो दूसरे देशों को भी भेजा जाता है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, फूल कचनार, फल आम, पेड़ पीपल, पक्षी गौरैया, पशु क्या हो जाता है साथी, गौर हो जाता है। पशु क्या हो जाता है, गौर। अगर हम यहां के लोक नृत्यों की बात करें, किसकी बात करें, लोक नृत्य, कहां के साथी, बिहार के लोक नृत्य, तो भिखारी ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है एक विदेशिया नृत्य, एक हो जाता है डोम कच नृत्य, क्या हो जाता है साथी, डोम कच नृत्य, तीसरा हो जाता है कजरी नृत्य, चौथा हो जाता है पेंका नृत्य, कौन सा नृत्य साथी, चौथा हो जाता है पेंकी नृत्य, पी ए आई एन के आई, पेंकी नृत्य, पांचवा यहां पर सोहर नृत्य हो जाता है, पांचवा क्या हो जाता है साथी, सोहत, फगुआ, छठा हो जाता है फगुआ, फगुआ, झिझिया नृत्य, झिझिया नृत्य, जट जाटे नृत्य, जट जाटे नृत्य, ये यहां के अपने कुछ लोक नृत्य हो जाते हैं। विदेशिया, डोमकच, कजरी, पेंकी, सोहर, फगुआ, झिझिया, बिल्कुल सही, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक और कर लेना, जट जाटिन झुमरी, ये क्या हो जाता है, झुमरी। चलिए साथी, अब आ जाते इंडिया पोस्ट। देखिए, भारतीय डाक का ही बैंक है ये, किसका बैंक है, भारतीय डाक। तो सबसे पहले तो डाक विभाग आया होगा, तभी तो क्वेश्चन आता है कि भारत में डाक विभाग की स्थापना किसने की थी। तो डाक विभाग 1 अप्रैल 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय पर स्थापना हुई थी। किसके समय पर, डलहौजी के समय पर। रेलवे और डाक विभाग की स्थापना, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना, ये सब डलहौजी के समय पर हुआ है। भारतीय डाक को 23 सर्कल में बांटा हुआ है, कितने सर्कल, 23 प्लस एक आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी पोस्टल सर्विस, ये एक सर्किल अलग है आर्मी पोस्टल, वैसे 23। एक होता है साथी पिन नंबर, जो आप 6 अंकों का पिन डालते हो ना, जैसे आपकी जगह का कोई ना कोई पिन कोड होगा, तो पिन का होता है साथी पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। कोई पूछे जैसे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, कि पिन में कितने अंक होते हैं, तो 6 संख्या होती है साथी, कितनी संख्या होती है, 6 नंबर या 6 अंक होते हैं पिन में। पिन का जो सिस्टम है वो 15 अगस्त 1972 से चलाया गया है,
इंदिरा गांधी के द्वारा उससे पहले पिन का सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो भारतीय डाक 1 अप्रैल 1854 डलहौजी के समय पर 23 सर्कल और 24वां आर्मी पोस्टल सर्कल अलग है, सिर्फ आर्मी के लिए 23 सिविल हैं। पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 अंक होते हैं। 15 अगस्त 1972 से, कब से साथी, 15 अगस्त 1972 से, 15 अगस्त 1972 याद रखिएगा। जो ये जो हम लोग जब भी कोई पत्र कहीं पर भेजते हैं, कोई पोस्ट कार्ड भेजते हैं, तो उसके ऊपर टिकट लगाते हैं, तो पोस्टल टिकट जो होते हैं, पोस्टल टिकट जिनको हम बोलते हैं, तो पोस्टल टिकट को एकत्र करने की जो आर्ट होती है, इसको फिलेटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेटली। याद रखिएगा, स्टाम्प जो होते हैं, हम जो स्टाम्प या टिकट जो खरीदते हैं, पोस्टल स्टाम्प जिनको बोलते हैं, इसको एकत्र करने की आदत को, एकत्र करने की हॉबी को फ्लैटली कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैटली। याद रखिएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये तो साथी सितंबर 2018 से शुरू हुआ है, 1 सितंबर 2018 से, कब से, 1 सितंबर 2000, और जे वेंकट रामू इसके एमडी सीईओ हो जाते हैं। जे वेंकट रामू ये क्या हो जाते हैं? इसके एमडी सीईओ हो जाते हैं, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, बैंक की, जिसमें बिहार सर्कल ने रेवेन्यू में सबसे टॉप किया है, आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, 1 सितंबर 2018 से। एक और बहुत महत्वपूर्ण यहां पर पोस्टल टिकट एकत्र करने की फ्लैटली, याद रखिएगा, ये जो डाक विभाग होता है, ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संचार मंत्रालय। तो अभी जो मंत्री जी बने हैं, अश्विनी वैष्णव जिनका नाम है, क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। इनके पास 3 मंत्रालय हैं, इनके पास रेल मंत्रालय है, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो रविशंकर प्रसाद के पास था, एंड आईटी मंत्रालय भी है, और इनके पास साथ ही ये संचार मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, जिसके अंदर ये डाक विभाग आता है। तो डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आता है। तो अश्विनी वैष्णव ये साथी 3-3 मंत्रालय संभाले हुए हैं। कितने मंत्रालय संभाले हुए हैं? तो आप कहोगे भैया 3-3 मंत्रालय ये संभाले हुए हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहां तक तो किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी जानते हैं अभी सुबह 7:30 बजे मेरी 6 घंटे की हिंदी की क्लास है। आप सभी लोगों से विनती है कि उस क्लास में भी आप लोग जरूर रहिएगा, और इस क्लास को शेयर आप जरूर करना। इस क्लास का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जो भी मैं करंट अफेयर करा रहा हूं, आपका पेपर में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बस जैसे मैं कहता हूं वैसे लिखो, नोट्स बनाओ और रिविजन करो। असम ने स्वदेशी आस्था का विभाग बनाने की घोषणा की है। आप ये कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस फेथ, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस। क्या है कि असम में बहुत सारी जनजाति होती हैं, उन जनजातियों के अपने धर्म हैं, अपनी मान्यताएं हैं, तो उन धर्म और मान्यताओं को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और उन लोगों में कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, क्या है कि बहुत से ईसाई समुदाय के लोग और भी बहुत सारे लोग वहां की गरीबी आदि को देखते हुए धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, और जो आदिवासी लोग होते हैं वो अच्छी, मतलब स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, इस तरह की भावनाओं में आकर अपना जो धर्म होता है खुद का स्वधर्म, उसको त्याग कर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। जबकि धर्म कुछ नहीं है, धर्म इज ओनली पॉलिटिक्स, रिलीजन इज ओनली पॉलिटिक्स। जैसे आज सरकारें हम सभी लोगों पर नियंत्रण करती हैं, समाज को एक दिशा में चलाती हैं, धर्म का जन्म जो हुआ था वो समाज को एक दिशा में चलाने के लिए हुआ था। धर्म के नाम पर हम लोग डरते थे, हमारे पूर्वज डरते थे, तो वो गलत काम नहीं करते थे, समाज व्यवस्थित रहता था। वही धीरे धीरे रूप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सरकारों ने ले लिया। तो धर्म शुरुआत में एक तरह की सरकार थी, आपको एक तरीके के नियम मानने होते हैं, एक तरीके से सभी धर्मों में चोरी चकारी हत्या ये सब पाप है, जिससे कि लोग बुरा काम करने से डरें। तो अगर आप धर्म का स्वरूप देखोगे तो रिलीजन इज ओनली पॉलिटिक्स, आस्था इज अनदर थिंग। भगवान में विश्वास, उस परम शक्ति में विश्वास, वो अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, समझे मेरी बात। राजनीति ओनली पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है वो वाली राजनीति, मीन्स समाज को कैसे व्यवस्था में चलाएं, समझे मेरी बात। चलिए, तो इसमें जो स्वदेशी धर्म है उसको बढ़ावा देने के लिए अलग से मंत्रालय स्थापित करने की बात कही है, कल वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो याद रखिएगा हेमंत बिस्व शर्मा ये मुख्यमंत्री है और जगदीश मुखी ये असम के राज्यपाल हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हाल ही में असम के विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए उसमें मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उसमें मुख्यमंत्री चुने गए हैं हेमंत बिस्व शर्मा और जगदीश मुखी। हेमंत बिस्व शर्मा और जगदीश मुखी, असम की बात करें तो उत्तर पूर्व, याद रखिएगा असम उत्तर पूर्व जो सेवन सिस्टर्स है, देखो सेवन सिस्टर में सिर्फ नहीं, उत्तर पूर्व के जो अपने राज्य हैं, उत्तर पूर्व के आठ राज्य हैं, कितने राज्य हैं, आठ राज्य, लेकिन हम लोग तो सेवन सिस्टर्स कहते हैं, तो स्टार लगा लीजिए सेवन सिस्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं। सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता, सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता, तो सिक्किम को हटा दे तो कितने बचे, सात बचे, वैसे सिक्किम को लगा के टोटल कितने हैं, आठ हो जाते हैं। असम एक ऐसा राज्य है जो सभी से जुड़ा हुआ है, जितने भी हैं उन सभी से साथी सिक्किम जुड़ा हुआ है। 34 जिले, हाल ही में बाजली नाम के 34वें जिले की घोषणा हुई थी। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, लेकिन राजधानी दिसपुर, राजधानी दिसपुर है हाईकोर्ट, और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, यही पर माता कामाख्या देवी का मंदिर है जहां पर अंबुबाची मेला लगता है। गवर्नर जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, विधानसभा की 126 सीट, 14 लोकसभा, 7 राज्यसभा, विधानसभा की 126, 14 लोकसभा और 7 हो जाती है साथ ही राज्यसभा की सीट, कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है राज्यसभा की सीट। नोट्स बना रहे हो ना बेटा मेरे, पूरे ही क्वेश्चन करके जाना। अब यहां पर आप आगे लिखने चलिए, 7 नेशनल पार्क है असम में बच्चा मेरे, कितने नेशनल पार्क है, तो मुझसे क्या कहोगे भैया, असम में 7 नेशनल पार्क है, असम में कितने नेशनल पार्क है, तो आप कहोगे असम में 7 नेशनल पार्क है, क्या है साथी, 7। एक हो जाता है साथी नामेरी नेशनल पार्क, एक हो जाता है डिब्रू साइखोबा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोबा, एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा और मानस ये दोनों यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के अंदर भी आते हैं। पांचवा हो जाता है साथी राजीव गांधी ओराव, राजीव गांधी ओराव नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओराव नेशनल पार्क। छठा आ जाता है रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना बोडोलैंड के इलाके में पड़ता है, कोकराझार आदि। और सातवां हो जाता है देहंग पटकाई, क्या हो जाता है साथी, देहंग पटकाई, ये क्या हो जाते हैं, ये यहां के कुछ नेशनल पार्क हो जाते हैं। जबकि यहां के लोक नृत्य की बात करेंगे, लोक नृत्य कहां के साथी, असम के, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग असम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं साथी, असम की बात कर रहे हैं, असम, याद रखिएगा, जिसको कामरूप या पुराने जमाने में असोम भी बोला जाता था। लोक नृत्य की बात करेंगे, सबसे फेमस है बिहू, रोंगाली बिहू पे बिहू नृत्य किया जाता है। दूसरा हो जाता है साथी ओजापल्ली नृत्य, कौन सा नृत्य, ओजापल्ली नृत्य, बोडो जनजाति करती है बागू रुम्बा नृत्य, कौन सा नृत्य, बागू रुम्बा नृत्य। एक हो जाता है साथी देवधानी नृत्य, देव धानी नृत्य, यहां का एक सत्तरिया, यहां पे साथी शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस में आता है, कौन सा नृत्य, सत्तरिया, बिहू, ओजापल्ली, बागुरुम्बा, देवधानी, सत्तरिया, ओजापल्ली, बागुरुम्बा, देवधानी, सत्तरिया, ये क्या हो जाते हैं साथी, ये यहां के कुछ फेमस नृत्य हो जाते हैं, बिहू, ओजापल्ली, बागुरुम्बा, देवधानी, ओजापल्ली, बागुरुम्बा, देवधानी, सत्तरिया। चलिए, ये क्या हो जाते हैं, ये असम के फेमस लोक नृत्य में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, लोक नृत्य में आ जाते हैं। जबकि साथी यहां के उत्सव की बात करेंगे, किसकी बात, उत्सव की बात करेंगे, तो उत्सव में यहां पर रोंग केर उत्सव आ जाता है, रोंग केर उत्सव आ जाता है। अगर आप लोग यहां के उत्सव की बात करेंगे, तो उत्सव में यहां पर साथी सबसे पहले बिहू लिखिए,
क्या लिखिए, बिहू सबसे फेमस। बिहू साल में तीन बार आता है, साल में तीन बार, लेकिन सबसे फेमस कौन सा होता है? सबसे फेमस हो जाता है साथी यहां का, हाँ, एक नृत्य तो लिख लीजिए, एक नृत्य छठा भोर ताल, ये मेरे दिमाग से निकल गया था, भोर ताल डांस, भोर ताल। अब आप लिखिए बिहू तीन बार, सबसे फेमस होता है रंगोली बिहार, रंगोली बिहू करके होता है, रंगोली बिहू फसल कटाई के समय पर। चलिए सेकंड आ जाता है बीवी स्वागु, बी डब्ल्यू आई एस ए जी यू। तीसरा आ जाता है साथी आपका अली आई लियांग करके होता है। चौथा आ जाता है साथी आपका बिहू बी स्वागु अली आई लियांग, रोंग केर क्या होता है? रोंग केर। यहीं पर साथी अंबुबाची मेला हो जाता है, क्या हो जाता है? अंबुबाची मेला माँ कामाख्या देवी के मंदिर पर गुवाहाटी में लगता है अंबुबाची मेला। पिछले साल और इस वर्ष दोनों बार कोविड की वजह से इसको रद्द कर दिया गया, दोनों की वजह से क्या कर दिया गया साथी? कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया। समझ रहे मेरी बात? किसकी वजह से रद्द कर दिया गया? तो आप कहोगे भैया कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया। किसकी वजह से रद्द कर दिया गया भाई? आप कहोगे भैया कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पांचवा मम देम ममफी और लिख लीजिए, इसमें अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है, इसमें किसकी पूजा की जाती है? पूर्वजों की पूजा की जाती है, ये उत्सव हो जाते हैं। यहां के दो लोक थिएटर भी लिख लीजिए, ये सब पेपर के हिसाब से बच्चा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। लोक थिएटर हो जाते हैं साथी अंकिया नाट, अंकिया नाट, और दूसरा हो जाता है भावना, दूसरा क्या हो जाता है? भावना। क्लियर हुई है बात? दूसरा हो जाता है भावना और पहला हो जाता है अंकिया नाट। एक चीज और आप असम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण लिख लीजिए, लोक थिएटर अंकिया नाट और भावना, बिहू बिस्वागु अली आई लियांग, रोंग केर, अंबुबाची मेला, मम दम ममफी और अंकिया नाट यहां का लोक लोक थिएटर हो जाता है, और भावना। यहां की कुछ पोशाक होती है जो बहुत फेमस है साथी, पुरुष जो होते हैं वो गमोसा, गले में एक व्हाइट उस बैकग्राउंड पर रेड कलर की कढ़ाई वाला होता है, अक्सर मोदी जी के गले में आपने देखा होगा, उसको गमोसा बोलते हैं। और महिलाएं जो पहनती है साथी वो मेखला चादोर, क्या पहनती है? मेखला चादोर। महिलाएं जो पहनती है साथी वो मेखला चादोर, पूरे शरीर को ढकने का एक कपड़ा होता है, तो पुरुष गमोसा और महिलाएं क्या करती हैं? ये मेखला चादोर। इसी तरह नेपाल में महिलाएं गन्यो चोलो और पुरुष डोरा श्री सोरुवाल। अगर आप वहां पर पहुंच जाओगे भूटान, तो पुरुष पहनते घो, महिला पहनती है कीरा। इस तरीके से आपको अलग अलग देशों की पोशाक, राज्यों की पोशाक आदि आपको पता चल जाएगी। तो ये अपने असम के बारे में छोटी सी जानकारी थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये चीजें आपने उतारी है, अगर आप उतारोगे ना तब फिर आपके दिमाग में हमेशा हमेशा ये चीजें रहेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। रक्षा, जैसे यहां पर साथी इन्होंने अपना अलग विभाग बना दिया स्वदेशी धर्म के लिए, इसी तरह अध्यात्म विभाग का गठन अपने मध्य प्रदेश में हो जाता है। कौन से विभाग का? अध्यात्म। हैप्पीनेस विभाग का गठन ये दिल्ली में, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया, जबकि मिनिस्टर ऑफ लोनलाइनेस अकेलेपन का मंत्री एशिया में पहली बार जापान में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे आ जाता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह ने एक ऑटोमेटिक पेंशन पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई की मदद से ऑटोमेटिक लोगों की पेंशन, डिफेंस एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड फौजी होते हैं उनकी पेंशन जा सके, इसके लिए स्पर्श नाम का एक उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, एक प्रणाली लॉन्च की है। क्या नाम है? स्पर्श। स्पर्श ये जो डिफेंस के लोगों की पेंशन है वो ऑटोमेटिक रूप से जाती रहे, उसमें कोई दखलंदाजी ना हो, तो इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर ये स्पर्श सिस्टम लॉन्च किया है। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, सिस्टम फॉर पेंशन
एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये कंट्रोलर जनरल जो है डिफेंस अकाउंट, इनके बीच में एसबीआई और पीएनबी के बीच में ये साथी। बिल्कुल सही। अभी जो राजनाथ सिंह है ये लखनऊ से लोकसभा सांसद, ये मंत्री है, जबकि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक अजय भट्ट करके ये राज्य मंत्री हाल ही में बनी है। क्या बनी? राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री भी कह सकते हैं, अजय भट्ट। और जबकि केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद। स्टेट बैंक की बात करें 1 जुलाई 1955 से, और पीएनबी की बात करें तो 1894 से। चलिए बच्चा, इस पर्स इसकी फिर से फुल फॉर्म आप देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट किसी प्रकार का हो रहा हो। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, आरएसएच का मतलब क्या है? रक्षा। समझे मेरी बात? चलिए आगे आ जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पहले एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी बच्चा, क्या हुआ करती थी? एक मिनिस्ट्री जिसका नाम था भारी उद्योग व लोक उद्यम विभाग, यह पूरा का पूरा मंत्रालय हुआ करता था। भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री। लेकिन 7 जुलाई से, कब से? 7 जुलाई 2021 से जो भारी उद्योग और लोक उद्यम, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंदर ये विभाग था, इस विभाग को साथ ही वित्त मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय, और जो पहले भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे उन्हें हटाकर भारी उद्योग मंत्री जो है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री, यह साथी उत्तर प्रदेश से महेंद्र नाथ पांडे जी को बनाया गया। महेंद्र नाथ पांडे जी को, तो भारी उद्योग मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री बने हैं महेंद्र नाथ पांडे, जबकि सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के पास चला गया। वित्त मंत्रालय जिससे कि अब सभी जानते हैं कि सरकार जो है वो अपनी सार्वजनिक जो सरकारी कंपनी एनटीपीसी, भेल, ये सब, इनको बेचना चाहती है, इनमें से हिस्सेदारी, तो वित्त मंत्रालय के पास रखने में यह चीज आसान रहेगी, इसलिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को यह चीज भेजी है। अब 6 कितने मंत्रालय हो गए? इसको 7 गिन लें तो 6 विभाग है। कोई पूछे वर्तमान में वित्त मंत्रालय में कितने विभाग है? 6 विभाग। सार्वजनिक उद्यम को हटाकर कितने है? 5। उसको मिलाकर कितने है? 6। आर्थिक मामले, एक्सपेंडिचर, राजस्व, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति, वित्तीय सेवा, और छठा हो जाता है साथ ही पब्लिक एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उद्यम। पब्लिक एंटरप्राइजेस या सार्वजनिक उद्यम, जो कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कोई बताएगा कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है ये किस राज्य से राज्यसभा सांसद है? तो याद रखिएगा कर्नाटक से ये आरएस सांसद है, राज्यसभा सांसद, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है निर्मला सीतारमण। कहां से साथी? कर्नाटक से निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद है। और वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए। एक चीज और यहां पर याद करने वाली बात है कि पहले जो वित्त मंत्री हुआ करते थे ये कौन हुआ करते थे साथी? तब कहोगे वित्त मंत्री, राज्य मंत्री जो थे वो अनुराग ठाकुर थे, लेकिन अनुराग ठाकुर को हटा दिया गया है, उन्हें एक तो उनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो होता है कौन सा विभाग होता है, सूचना प्रसारण और साथ ही खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय बनाया गया। तो भगवत कराड़ और पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री की बात करें, वित्त राज्य मंत्री तो एक हो जाते हैं भगवत कराड़ और एक हो जाते हैं महाराजगंज से पंकज चौधरी। दो वित्त राज्य मंत्री बनाए गए, जबकि कैबिनेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। कैबिनेट मंत्री कौन है शेर मेरे? निर्मला सीतारमण जी। क्लियर हुआ? कुल कितने हो गए? 6 विभाग, ओरिजिनल 3 थे, फिर धीरे धीरे इसमें बढ़ गए। चलिए आगे आ जाते बच्चा। हाल ही में किसने विंबलडन 2021 पुरुष एकल खिताब जीता है? विंबलडन 2021, नोवाक राफेल, डेनियल मेदवेदेव, जेमी मुरे। तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले साथी? सर्बिया।
जिसकी राजधानी बेलग्रेड हो जाती है। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। तो नोवाक जोकोविच ने इस टूर्नामेंट को जीता है। किसको हराकर? इटली के मेटियो को हराकर। इटली के फाइनल में मेटियो को हराकर, मेटियो मेटियो नाम के एक व्यक्ति थे, मेटियो को हराकर इन्होंने ये अपना 20वां ग्रैंड स्लैम जीता है। कौन सा ग्रैंड स्लैम? विंबलडन 2021। ये नोवाक जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने। कौन सा? 20वां ग्रैंड स्लैम। और अब ये टोटल ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में इन्होंने रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोजर फेडरर 6 ऑस्ट्रेलियाई, 1 फ्रेंच, 8 विंबलडन और 5 यूएस। राफेल नडाल ने 1 ऑस्ट्रेलियाई, 4 यूएस, 2 विंबलडन, 13 बार फ्रेंच। नोवाक जोकोविच 9 ऑस्ट्रेलियाई, 2 फ्रेंच, 6 विंबलडन और 3 यूएस ओपन। रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ये तीनों लोग 20-20 खिताब जीतकर एक साथ टॉपर बने हुए हैं, एक साथ टॉपर बने हुए हैं। तो मेटियो को हराया नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ये 134वां संस्करण था। विंबलडन नाम का एक ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का टूर्नामेंट, जिसके खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी हैं। 134वां था। ये सबसे पुराना, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं तो आप ये कह सकते हो 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना, 4 ग्रैंड स्लैम में यह सबसे पुराना है। घास के मैदान पर खेला जाता है साथी 1877 से, और ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट इसका जो कोर्ट होता है, इसके मैदान को कोर्ट कहते हैं, टेनिस के मैदान को जो कोर्ट होता है वो ग्रास का कोर्ट होता है इसका। जबकि वुमेन सिंगल में एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी, पुरुषों में तो नोवाक जोकोविच, महिलाओं में एशिया बार्टी, एशले बार्टी, निकोला और पाविक ये पुरुष डबल्स में, हसी और मर्टेंस ये दोनों महिला युगल में, पुरुष में निकोला पेविक, नीपा, पुरुष में कौन? नीपा वायरस होता ना, तो पुरुष में याद रखिएगा नीपा, ठीक है, शॉर्ट में, और हसी, 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 तो हसी सुवाई ताइवान की, और एलिस मर्टेंस ये बेल्जियम की, जबकि निकोला और पाविक दोनों क्रोशिया के हैं, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। नोवाक जोकोविच कहां के? सर्बिया के। अब मैं आपको ये ग्रैंड स्लैम के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में? ग्रैंड स्लैम। इस साल के तीनों ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीते, पुरुष सिंगल्स, मेन सिंगल्स। तो साल के शुरू से अंत तक सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम। पहले ऊपर लिख लीजिए 4 ग्रैंड स्लैम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं साथी, टेनिस टूर्नामेंट। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, टेनिस टूर्नामेंट सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। अपने नोट्स बना रहे हो ना, थोड़ा तेज कर देना, क्वेश्चन कई सारे हैं ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन साल में दूसरे ऑस्ट्रेलियन के बाद में होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन से नाम समझ गए होंगे। ये जो विंबलडन होता है ये इंग्लैंड में होता है, इससे किसी देश का नाम समझ में नहीं आ रहा भाई। फ्रेंच मतलब फ्रांस में, ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया में, और साल का अंतिम होता है यूएस ओपन, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यह भी साथ ही हार्ड कोर्ट पर होता है, आर्टिफिशियल कोर्ट जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हार्ड कोर्ट पर होता है, जबकि फ्रेंच ये किले या मिट्टी के कोर्ट पर होता है, किले या मिट्टी के कोर्ट पर होता है, और विंबलडन ये घास के मैदान पर होता है, ग्रास कोर्ट पर। कोर्ट कैसा है? घास का है या पत्थर का है, जिसको हम लोग हार्ड कोर्ट बोलते हैं, या मिट्टी है। साथ ही सबसे पुराने ये है 1877 में, फिर यूएस ओपन 1881 में, फिर फ्रेंच ओपन 1891 में, और फिर ऑस्ट्रेलियन ये 1905। इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा पुराना है। इस साल के तीनों ये किसने जीते? इस साल के तीनों पुरुष में तो नोवाक जोकोविच, जबकि महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन जीता था नाओमी ओसाका, ये क्या नाम है इसका, फ्रेंच जीता था बारबोरा, और साथ ही विंबलडन जीता है एशले बार्टी। विंबलडन किसने जीता था? एशले बार्टी। ये कौन से हैं? ये बच्चा मेरे, ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं भाई। ये ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं? ये टेनिस टूर्नामेंट
होते हैं। सो 100 प्रथम खुराक कवर की ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी या राज्य जहां 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक यहां के सभी लोगों को मिल चुकी है। तो याद रखिएगा लद्दाख, लद्दाख में लगभग 89,404 लोग हैं जिनको पूरी तरीके से पहली खुराक लग चुकी है और सेकंड 60,936 लोगों को सेकंड भी लग चुकी है। तो बहुत जल्दी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन या सार्वभौमिक कि जितने भी लद्दाख के व्यक्ति हैं उन सभी को वैक्सीनेशन लगने वाला ये पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी बनेगा। तो ये कौन सा है साथी? लद्दाख। लद्दाख समझ रहे मेरी बात? होटल वर्कर, नेपाल के लोग, माइग्रेंट जो प्रवासी मजदूर हैं, सबको मिला के सबको पहली खुराक तो लगी चुकी है। कौन सा साथी? लद्दाख। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को साथी ये यूनियन टेरिटरी बनता है। इसके उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर, दो जिले लेह और कारगिल, हेमिस नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यहीं पर है, और साथ ही कुशक बकुला, रिनपोचे हवाई अड्डा, ये भी कहां पर है? ये साथी लेह लद्दाख में। कहां पर है साथी? लेह लद्दाख में है। यहां के कुछ लोक नृत्यों की बात करेंगे। किसकी बात? लोक नृत्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है शोनडोल डांस। कौन सा डांस है? शोनडोल डांस। एक यहां पर आ जाता है स्पाओ, एक आ जाता है मेंटोक, कोको कोला मेंटोक सारे, चौथा आ जाता है जावरो नृत्य। जबकि यहां पे कुछ लोग उत्सव भी होते हैं, उत्सव जो होते हैं फेस्टिवल लद्दाख के, उसमें डोसमोचे, सिंधु दर्शन, साका दावा, ये यहां के फेमस हैं। क्या है साथी? ये यहां के फेमस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेमस हो जाते हैं, ये उत्सव है। जबकि साथ ही यहां पर कुछ बौद्ध मठ पाए जाते हैं जो बहुत ही फेमस है, हेमिस मोनिस्ट्री, हेमिस मठ, ठिकसे मठ, अलची, ठिकसे अलची, ये यहां के कुछ फेमस मठ होते हैं। तो मठ हेमिस, ठिकसे अलची, पेंगोंग झील यहां की भारत और चीन के बीच में है, सोकर और सो मोरूरी, ये दो झील और साथ ही लद्दाख में स्थित है। तो दो जिले राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल, हेमिस, कुशक बकुला जो लेह का एयरपोर्ट है उसकी सुरक्षा कुछ समय पहले CISF को सौंपी गई थी। डोसमोचे, साका दावा, सिंधु दर्शन भी इंपॉर्टेंट है, हेमिस, ठिकसे अलची मठ है घूमने के लिए, शोनडोल, स्पाओ, मेंटोक और जावरो, शोनडोल, स्पाओ, मेंटोक और जावरो, ये और साथ ही यहां पर आपके चार लोक नृत्य हो जाते हैं। कौन कौन से? शोनडोल, स्पाओ, मेंटेक और जावरो। आगे आ जाते हैं। 130 किलोवाट पावर सौर पैनल से ढका भारत का पहला सौर रेलवे स्टेशन जो पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा से चलता है, यह साथी आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। कौन सा? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, जो कि 18 जून, जो 18 जून है, साउथ कोस्टल रेलवे करके, दक्षिण कोस्टल रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे करके, यह रेलवे का 18वां जोन है, उसी के अंतर्गत आता है साथी विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा स्टेशन, जो कि साउथ कोस्टल रेलवे 18वें जोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 18। 130 किलोवाट पावर सोलर पैनल से ढका देश का पहला सौर रेलवे स्टेशन, देश का पहला सौर रेलवे स्टेशन। अब सभी को पता होना चाहिए अप्रैल 1853 में हमारी भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे करके थी, GIPR करके, जिसने मुंबई से ठाणे के बीच में साहिब, सिंध और सुल्तान, इन तीन इंजनों से एक ट्रेन चलाई थी, पहली भारतीय सवारी ट्रेन, जिसको पैसेंजर ट्रेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथी? पैसेंजर ट्रेन भी कहा जा सकता है। चलो आगे जाते, अब सभी जानते हैं अश्विनी वैष्णव, ये क्या हो गए? रेल मंत्री बने। अश्विनी वैष्णव क्या हो जाते साथी? रेल मंत्री बन जाते। आगे आ जाते, क्लियर है? 8 लाख रुपए की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा।
विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, किसके किनारे? कृष्णा। हाल ही में डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक, डीएनए सिक्वेंसिंग होती है कि डीएनए में से जानकारी निकालना, डीएनए को सिक्वेंस करना कि ये डीएनए पूर्वज कौन होंगे, इसके किस डीएनए से मिलता जुलता, ये सब। तो डीएनए सिक्वेंसिंग के क्षेत्र में 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको दिया गया है? साल 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड, देखिए नितिन राकेश और जेरी विंड, ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइसिस नाम की किताब थी, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, बुक ऑफ द ईयर का, बुक ऑफ द ईयर, इसको याद रखिएगा, जेरी विंड, नितिन राकेश, लास्जुलू लोवाज, एबल प्राइज 2021, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, लास्जुलू लोवाज, एवी विंडरसन, जीन फिलिप बासल और एनी लेक्टेगर, प्रित्ज़कर प्राइज, क्या मिला है साथी? प्रित्ज़कर प्राइज 2021, यह वास्तुकला के क्षेत्र में होता है, जबकि शंकर बाल सुब्रमण्यम, यह भारत से, भारत में बोर्न है लेकिन अभी कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और डेविड क्लेनर मैन, तो शंकर और डेविड, शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनर मैन, तो नितिन राकेश, जेरी विंड, इन दोनों ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का खिताब जीता, लास्जुलू लोवाज, एवी विंडरसन, एबल प्राइज, प्रित्ज़कर प्राइज, जीन फिलिप वासल, एनी लेक्टेगर, और शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनर मैन, ये हो जाता है साथी 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड। तो 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड, शंकर बाल सुब्रमण्यम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जबकि डेविड भी कैम्ब्रिज का केमिस्ट है, यह फिनलैंड की संस्था देती है, पहली बार 2004 में। उसके पहले विजेता थे WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली को पहली बार सम्मान दिया गया था, जबकि 1 मिलियन यूरो होते हैं, इसमें कितने मिलियन यूरो होते हैं? 1 मिलियन। उसके बाद में बाला सुब्रमण्यम भारत में जन्मे व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के, जिनको यह अवार्ड मिला है, कौन सा? 2020 मिलेनियम। आगे आ जाता है 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, ये साथी जेला अवंत गाड़े ये अमेरिका में होती है, इसमें टफ से टफ शब्दों की स्पेलिंग पूछी जाती है, तो जेला अवंत गाड़े इस प्रतियोगिता को जीती है, इसका नाम है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिका ने 93 वर्ष के इतिहास में पहल, और साथ ही ब्लैक कंटेस्टेंट भी है जिन्होंने जीता है, 1998 जमैका की एनी मैक्सवेल जीती थी, उसके बाद में कोई नहीं, वैसे बास्केटबॉल खिलाड़ी है लुइसियाना स्टेट अमेरिका की, कहां की? अमेरिका की। $50,000 इसमें कितने? $50,000 इसमें दिए जाते हैं, $1 75 रुपए का होता है, 70 से आप गुणा कर लीजिएगा, समझ रहे हैं? 75 या 70 से गुणा, $50,000। चलिए बच्चा आगे आ जाते, सेकंड स्थान चेत्रा थुम्मल भारतीय मूल की, और तीसरा भी भावना, सेकंड और थर्ड इन दोनों पर भारतीय मूल के व्यक्ति रहे, सेकंड और थर्ड, स्पेलिंग भी अमेरिका में होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, याक होता है जो पहाड़ों पर पाया जाता है, भैंसे टाइप का जिस पर ऊन होती है पहाड़ों में सर्दी से बचने के लिए, तो याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये साथी अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में है, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, इनका इंश्योरेंस कराया जा रहा है, बीमा कराया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में, याक का बीमा, इन्होंने राष्ट्रीय बीमा कंपनी है कोलकाता 1906 में स्थापना राष्ट्रीय बीमा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 1906, तो इसके साथ पशुओं का बीमा करने के लिए, याक का बीमा करने के लिए करार दिया है। भारत में याक लगभग 58,000 है, जिनमें लद्दाख जम्मू कश्मीर में लगभग 26,000, अरुणाचल में 24,000, सिक्किम में 5,000, हिमाचल प्रदेश में 2, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में 1,000, जबकि राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड 1906 कोलकाता। तो साथ ही
याकपर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पशुओं का बीमा करने के लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। राष्ट्रीय बीमा लिमिटेड, चलिए अच्छा, याक दिरंग अरुणाचल प्रदेश। आगे आ जाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है, डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, इसके लिए साथ ही एक 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं साथी पुनीत डालमिया। भाई सुदर्शन सेन की बात करेंगे तो आरबीआई ने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जांच के लिए, एआरसी की जांच के लिए कमेटी का गठन, आरपी तिवारी अंडर ग्रेजुएट जितने भी लोग हैं, जितने अपने बीए बीएससी में एडमिशन लेते हैं, वन टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस का वन टेस्ट हो, आर एस शर्मा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के कर्ता धरता। तो याद रखिएगा साथी, इस परिषद के अध्यक्ष कौन है, पुनीत डालमिया, 25 सदस्यीय विकास परिषद है सीमेंट उद्योग से संबंधित, डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, पुनीत डालमिया, कौन सा थी, पुनीत डालमिया। चलिए यहां पर कुछ और चीजें देखते हैं साथी, जो सीमेंट है असल में पोर्टलैंड सीमेंट है। कैसा सीमेंट यूज होता है, जो हमारे घरों में यूज होता है, पोर्टलैंड सीमेंट। जोसेफ एस्पिडिन, जोसेफ एस्पिडिन करके हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिन्होंने इसकी इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, इन्वेंशन, समझे मेरी बात। इसमें साथी कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, एल्यूमिना, ये सब, जबकि सीमेंट में जिप्सम भी मिलाया जाता है। क्वेश्चन आता है सीमेंट में जिप्सम क्यों मनाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा सीमेंट के सेटिंग टाइम को स्लो करने के लिए, सीमेंट के सेटिंग टाइम को स्लो करने के लिए, सीमेंट सेट होने में थोड़ा सा समय ले, हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा, क्रैक डेवलप हो जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जो सीमेंट से छत वगैरह पड़ती है उन पर बार बार पानी मारना पड़ता है मजबूती के लिए। तो जिप्सम को सीमेंट के सेटिंग टाइम को थोड़ा सा कम करने के लिए, स्लो करने के लिए, जोसेफ एस्पिडिन ये पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक है या इन्वेंटर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इन्वेंटर। तो पुनीत डालमिया डीसीसीआई के अध्यक्ष। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, एपी, जो अपने अबुल, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वो विदेशों में भारतीय संस्कृति का परिचय हो, इसके लिए एक संस्था की स्थापना की करके गई, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, 1950 में इसकी स्थापना हुई, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की देखरेख में, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल नाम का इनका अखबार आता था, कौन सा अखबार साथी, अल हिलाल, अल हिलाल नाम का इनका अखबार आता था, और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये क्या हो जाती है इनकी पुस्तक, इंडिया विंस फ्रीडम। तो आईसीसीआर और दिनेश के पटनायक, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, अर्थात जो शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु जिनको कहा जाता है, इनके नाम पर एक पीएचडी स्कॉलरशिप सरकार देगी, उसी को चेयर करना बोलते हैं, शोध आदि करने के लिए, ये भारत सरकार समझ रहे 5 साल के लिए होगा ये, जिसमें बंगबंधु दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंगबंधु जी के नाम पर यह कराई जाएगी, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, बंगबंधु जी के नाम पर एक पीएचडी आदि की स्कॉलरशिप मिलेगी। बंगबंधु की बात करें तो जो अपने शेख मुजीबुर रहमान इनको साथी बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, बांग्लादेश का संस्थापक और पहले राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। याद रखिएगा 2020 का गांधी पीस प्राइज, 2020 का गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार। एक और चीज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1972
इनके इनके तीन इनके रिश्तेदारों की और इनके तीन लड़कों की हत्या कर दी थी एक आर्मी के एक व्यक्ति ने उकसाकर और फिर सत्ता पे कब्जा कर लिया था। बाद में जब इनकी बेटी 1998 में प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना तो फिर उन्होंने फांसी पर लटकाना शुरू किया। वो दोनों बच गई थी क्योंकि वो जर्मनी घूमने गई थी, बाकी पूरे परिवार का कत्ले आम कर दिया था। 1975 की जगह इसको 1975 करो, क्या करो 1975 को इनकी हत्या कर दी गई थी। समझे मेरी बात, बंग बंधु कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बच्चा मेरे, इन्हें बंग बंधु कहा जाता है। कोपा अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका नाम का जो महाद्वीप है वहां पर फुटबॉल का टूर्नामेंट है। किसने जीता है साथी, ये 47वां टूर्नामेंट अर्जेंटीना ने जीता है जिसके लियोनेल मेसी है, जबकि मेजबान देश ब्राजील में ही ब्राजील को 1-0 से हरा दिया और एंजल डी मारिया ये साथी इकलौता गोल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाएगा। कोपा अमेरिका में कौन सी टीम विजय रही, अर्जेंटीना 1-0 से किसको हराकर, ब्राजील को हराकर। जबकि यूईएफए ये भी फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिस तरह कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका में उसी तरह यूईएफए यूरोपियन यूनियन ये साथी यूरोप का टूर्नामेंट है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को हराया है, पेनल्टी पर इटली की जीत, इटली बनाम इंग्लैंड 1-1 का गोल बराबर हो गया था, फिर पेनल्टी के मामले में फ्री किक जो होती है उसमें इटली बाजी मार गई, इटली क्या है अब विजेता। तो यूईएफए विजेता कौन है, इटली है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। और डोनर डोनर करके हैं जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, समझे मेरी बात। यूईएफए 2020 में होना था जिसको खिसका के 2021 में कराया जा रहा है। वेम्बले स्टेडियम में फाइनल हुआ था, कौन से स्टेडियम में, वेम्बले स्टेडियम में इसका फाइनल था इंग्लैंड। क्लियर हुआ साथी, किसने जीता, कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना और यूईएफए, ये भी फुटबॉल टूर्नामेंट है यूरोप के लोगों के लिए, इसमें इटली जीती है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को होता है, नेशनल फिश फार्मर्स डे ये कब होता है साथी, 10 जुलाई को होता है, के एच अली खुनी और डॉक्टर एच एल चौधरी की याद में, समझे मेरी बात। चलिए किसान दिवस राष्ट्रीय मत्स्य मछली किसान दिवस 10 जुलाई, 21वां नेशनल फिश फार्मर डे भी ये है, इसी दिन को 10 जुलाई को माना जाता है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का 15वां फाउंडेशन भी है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद क्या है साथी, इसका हेडक्वार्टर। चलिए तो फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई, ओके बच्चा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद आगे आ जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राइट एंड चॉइस आर द आंसर, वेदर बेबी बूम और बस्ट, द सॉल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग ऑल पीपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट। विश्व जनसंख्या दिवस शॉर्ट में 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस शॉर्ट में आप इसे कर लीजिए 11 जुलाई को, 10 को राष्ट्रीय मछली किसान मत्स्य फार्मर्स और 11 जुलाई को जनसंख्या। 11 जुलाई को अमेजन नाम की, जिसके 5 जुलाई से अंडी जैसी सीईओ बने, कैडेबरा जिसका पुराना नाम था, गुजरात में भारत का पहला डिजिटल केंद्र, गुजरात में भारत का पहला डिजिटल केंद्र, याद रखिएगा अमेजन का पुराना नाम कैडेबरा हुआ करता था जब ये 1994 में ओपन हुई थी, बाद में इसका नाम अमेजन रखा गया और वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं वो एंडी जैसी हैं। क्या है साथी, एंडी जैसी, समझ रहे मेरी बात, सीईओ। उससे पहले 5 जुलाई तक कौन थे साथी, 5 जुलाई तक जो सीईओ थे वो जेफ बिजोस थे, कौन थे, जेफ बिजोस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घर घर राशन योजना 2015 का बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घर घर राशन योजना, घर घर राशन योजना। भारत डायनेमिक्स 1970, इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद। आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर 1970 हैदराबाद, आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर की रेंज है, 499 करोड़ रुपए का इसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल
इसके साथ मिलकर बनाई थी, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसे, बिल्कुल सही, डीआरडीओ के साथ मिलकर। चलिए, 30 किलोमीटर इसकी होती आकाश मिसाइल की, सतह से हवा में मार करने वाली, सरफेस टू एयर। मनोज लड़वा बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर। मनोज जी यूके की बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किए गए। क्या नियुक्त किए गए? विजिटिंग प्रोफेसर मनोज लड़वा। मनोज लड़वा लाइट ऑफ एशिया, ये जयराम रमेश की किताब आ रही है, द लाइट ऑफ एशिया, बुद्धिज्म के ऊपर, बुद्ध भगवान जी के ऊपर। पीके वारियर, ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े हुए थे, 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, 100 वर्ष की आयु में निधन पीके वारियर्स। और साथ ही ये अपना हो जाता है अभिमन्यु, रैंक 2121 इस पे कोड चल रहा है, आज सभी लोग ले लीजिएगा। अभी हम लोग अपनी हिंदी की क्लास शुरू करेंगे, उससे पहले हमने देखा कि हम ये 24 तक बहुत अच्छे अच्छे, इसमें कई सारे खेल की बात, जो सुबह अभी 3-4 बजे जिस खेल का रिजल्ट आया है UEFA, हमने उसको भी डालने की कोशिश की है, कहां पर पहला डिजिटल केंद्र, कहां का पोस्ट पेमेंट बैंक, उससे संबंधित 24 क्वेश्चनों में बहुत सारे राज्यों की, असम की, बिहार की, लद्दाख की, आप लोगों को चीजें बताने की भी कोशिश की है, नेपाल को भी पढ़ाया है, अंतरराष्ट्रीय देश संस्था भी आपको बताई है, डेनमार्क, सऊदी, OIC। तो आप सभी से उम्मीद है कि क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, और दिनों से आराम से भी पढ़ाया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो PDF आपको सारे अभिमन्यु बैच में मिलेंगे, जो मेरी 12 घंटे क्लास थी, अभी भी हिंदी की 6 घंटे क्लास होगी, उस क्लास में आप लोगों को आना है। बच्चा एक तो आप सभी लोग लाइक जरूर कर देना, आज सबको कमेंट करके बताना है कि मैंने बहुत मन से आज का कंटेंट दिया आप लोगों को, कमेंट्स करके आपको बताना है क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी सबको कमेंट करनी है, और इसमें क्या सुधार चाहते हो। एक एक चीज क्या है कि वो पेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं PDF में, तो उसको लगाने में थोड़ा समय लग रहा है 12 घंटे वाली क्लास में, जैसे लग जाएगा मैं आपको और बता दूंगा कि और कैसे इसको अच्छे से रिविजन करना है। बाकी हमारा द एग्जामपुर द गोल्डन आर्मी करंट अफेयर करके हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कीजिएगा, पूरे दिन उस पर बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास के होंगे, स्टैटिक GK वन लाइनर, पूरा रिविजन हो जाएगा, धुआं धुआं। तो उम्मीद करूंगा आपके कमेंट्स का, वेट करूंगा, और जितने भी साथी इस क्लास को देखते हैं हमारे, 500 भी कुछ रुपए का ये हमारा पड़ता है रैंक 21 लगाने के बाद में, आप सभी लोग अभिमन्यु बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बच्चा, हिंदी की क्लास से मिलते अगले 6 घंटे एक साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। इस बार यूपी में चुनाव के कारण बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, जिसके लिए इस साल 20 अगस्त को होने वाली UPSSC PET की परीक्षा आपको पास करनी होगी। इस परीक्षा में लगभग 20,73,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो आपके और आपकी सरकारी नौकरी के बीच के पहले पड़ाव PET में नैया पार करवाने के लिए एग्जामपुर भारत की सबसे धुरंधर टीम के साथ आपके लिए लेकर आया है टारगेट 45 दिन अभिमन्यु बैच, जिसमें ना सिर्फ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, बल्कि गुरु की गाइड भी। जिसका मूल्य ₹270 है, वह इस कोर्स के साथ आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी जाएं प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और ज्वाइन करें अभिमन्यु बैच।